कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मातिसङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। भगवान की कृपा से हमारी अपनी खुद की एक छत हो गई। कौन आया यहां मरने के लिए? मेरा बच्चा आर्यन, तुम यहाँ अकेले में किससे बातें कर रहे हो? आंटी से। आंटी, मैंने स्कूल में बहुत सारे खिलौने देखे, मुझे वो चाहिए, मैं घर पे खेलूंगा। हाँ बेटा। वाओ, कितने सारे खिलौने। तुमने मेरे बच्चे के खिलौने फेंक दिए? ये तुमने अच्छा नहीं किया। कल रात आर्यन के सारे खिलौने फेंक दिए। वो उठेगा तो बहुत रोएगा, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी। वो समझ जाएगा। रात को तुमने ये सारे खिलौने बाहर तो फेंक दिए थे ना? हाँ माँ। घर के तो सारे खिड़की और दरवाजे भी बंद थे। ये सब कहाँ से आए? किसने रखे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन ने जिद की और आप इन्हें वापस ले आए? क्या बात कर रही हो सुजाता, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने रखे हैं,
माँ तुमने रखे? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? अरे अभी अभी तो तुमने कहा कि तुमने रखे। मैंने नहीं कहा। बहू तूने कुछ कहा? नहीं माँ जी, मैं तो समझी आपने कुछ कहा। आवाज तो मैंने भी सुनी। आवाज तो मैंने भी सुनी, आपने भी कहा, नितिन ने नहीं कहा। अरे बहन जी आप। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, सब कुशल मंगल तो है? अब क्या बताऊं पंडित जी। आइए अंदर आइए। कहिए बहन जी क्या बात है? पंडित जी मैं निर्मला, ये नितिन बाबू के माता जी है। नमस्ते। और ये मेरे घर वाली। इस समय आकर आपको कष्ट दिया? कष्ट कैसा, आप बैठिए मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं चाय की तकलीफ मत कीजिए, आप पहली बार हमारे यहाँ आई हैं, ऐसे कैसे होएगा, मैं लेके आती हूँ चाय। हाँ आइए। हाँ बताइए बहन जी क्या परेशानी है? परेशानी तो है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। बहन जी कुछ नए घर की परेशानी है? बहन जी जो कुछ भी है खुलकर कहिए, मैं आपका पड़ोसी हूँ। पंडित जी अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ हो सकता है उसे सुनकर आपको लगे कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो कुछ हो रहा है उसने मुझे झकझोर कर रख दिया है। जब से इस घर में आए हैं मुझे ये घर भारी भारी सा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं, अपनी ही जिद करता है, ये घर भी उसने बिना मुझसे पूछे ही ले लिया। ये बात आपने बिल्कुल सच कही, ये मकान खरीदने से पहले उसने किसी से नहीं पूछा, अगर वो हमसे पूछता तो हम उसको जरूर बताते ये मकान और मकानों जैसा नहीं है, इसकी एक समस्या है। पर बहन जी हुआ क्या है ये तो बताइए। इतना सब कुछ हो गया पंडित जी अब आप ही बताइए क्या ये मेरा वहम है? ये वहम नहीं है ये सत्य है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करूं पंडित जी, मेरा पोता आर्यन पूरे घर की जान है, मैं उस नन्ही सी जान के पीछे खतरे को मंडराता हुआ महसूस कर रही हूं। इसका उपाय है मेरे पास, लीजिए
चाय आ गई। निर्मला जरा वो तावीज तो लाना। जी अभी लाई। बहन जी ये तावीज देवी माता का प्रसाद है, इसे जाके आप अपने पोते के गले में डाल दीजिए तो वो उसे छू भी नहीं सकेगा। ये आपके पोते की हर संकट से रक्षा करेगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। पंडित जी अब मैं जल्दी से घर जाकर इसे अपने पोते के गले में डाल देती हूँ। माता रानी इनके परिवार की रक्षा करें। अरे वो देखो बुढ़िया मर गई। अरे चलो चलो क्या चला था ये? जय माता रानी। क्या हुआ माँ? पता नहीं दरवाजा अपने आप बंद हो गया, अब खुल ही नहीं रहा। मैं खोलता हूँ। दरवाजा तो खुल गया माँ। सुजाता 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 सुजाता। अरे माँ आप कहाँ चले गए थे? बताती हूँ बेटी। ये क्या आपके हाथ में? ये देवी माँ का ताबीज है, इसका चमत्कार मैं देख चुकी हूँ। आर्यन कहाँ है बेटी? वो तो अंदर कमरे में सो रहा है। ओहो मैंने तुम्हें कहा था उसे अकेले मत छोड़ना। आर्यन लेकिन माँ। आर्यन आर्यन माँ तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ पर मेरा आर्यन आर्यन Thank you.
कितना प्यारा लग रहा है। आर्यन, आर्यन, आंटी आओ मेरे पास आओ। आर्यन चिंता मत करो इसकी बहू, भगवान का लाख लाख शुक्र है इसे कुछ नहीं होगा। इसके गले में ये देखो देवी माँ का ताबीज है ना, इसे कुछ नहीं होगा। पता नहीं मेरे बेटे के पीछे कौन पड़ा। चलो यहाँ से। तुझे आर्यन की चिंता नहीं, तूने उसके गले में ताबीज डालकर उसे मुझसे अलग कर दिया। लेकिन मैं बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। ये तूने अच्छा नहीं किया बुढ़िया। तेरी तावीज का असर आर्यन पर तो हो सकता है, लेकिन उस बच्चे का क्या करेगी जो तेरी बहू की कोख में पल रहा है। क्या हुआ सुजाता? सुजाता क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं बस हल्का सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। अब मैं आर्यन को स्कूल छोड़ाती हूँ। अरे मैं सब्जी लेने जा रही हूँ ना, मैं स्कूल छोड़ती हूँ। हाँ इस हालत में तुम कहाँ जाओगे? चलो तुम आराम करो बेटी, मैं दरवाजे तक आती हूँ, नहीं तो बहुत जिद करेगा। हाँ चलो। ये लो। बाय मम्मी। बाय बेटा। सुजाता सुजाता कौन? सुजाता सुजाता you
सुजाता कौन है? सुजाता सामने क्यों नहीं आती? सुजाता कौन है? सुजाता कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आती? मैं हूं कौन है तू? मेरे घर में कैसे आ गई तू? तेरा घर? ये घर मेरा है, यहां मैं रहती हूं। जबरदस्ती तो तुम लोग घुस आए हो मेरे घर में। क्या क्या मतलब है तेरा? मेरी बात ध्यान से सुन, ये मेरा घर है और यहां मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता। लेकिन जब तुम लोग यहां आए तो तुम्हारे साथ छोटा बच्चा आर्यन था, उसमें मुझे अपनी ममता नजर आई, मुझे बहुत प्यारा लगा वो। लेकिन तुम लोगों ने उसे मुझसे छीनना चाहा, उसके गले में ताबीज डालकर। लेकिन याद रख, अगर तूने मेरे आर्यन के गले से ताबीज नहीं निकाला तो मैं तेरा दूसरा बच्चा जो तेरी कोख में पल रहा है उसे तुझसे छीन लूंगी। अगर तुम लोग इस घर में चैन से रहना चाहते हो तो मुझे मेरे आर्यन के साथ खेलने से मत रोको, ना मैं तेरा बच्चा छीन लूंगी। मैं तुझसे तेरा बच्चा, मैं तेरा बच्चा तुझसे छीन लूंगी। नहीं बचा पाएगी तू। क्या बात है? क्या हुआ? कह रही थी अगर मैंने आर्यन के गले से तावीज नहीं निकाला तो मेरे पेट में जो दूसरा बच्चा उसे भी मुझसे छीन लेगी। नहीं नहीं बहू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तुम्हारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप कहीं मत जाइए, मेरे पास ही रहिए। कहीं मत जाइए। कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं मत जाइए, ये तुम क्या कह रही हो सुजाता? हम इस मकान को कैसे छोड़ सकते हैं? क्या तुम नहीं जानती कितनी मुश्किलों से हमने इस मकान को खरीदा है? आज तक जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी बचाया, सब इस मकान में लगा दिया, और अब तुम कह रहे हो कि इस मकान को छोड़ दें? अरे इस मकान को छोड़ देंगे तो क्या फुटपाथ पर जाके रहेंगे? मैं ये सब नहीं जानती, मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती, अभी और इसी पर ध्यान से जाना चाहती हूं मैं। ऐसा क्या हो गया सुजाता, क्या हो गया है? ये आप पूछ रहे? इतने सारे खिलौने अचानक आए कहां से? और फिर आर्यन के गले में वो तावीज बांधने के बाद सारे खिलौने गायब हो गए, कहां कैसे सोचा आपने? अब तो उस औरत ने मुझे खुली धमकी भी दी है। किसने? उसी औरत ने जिसने आर्यन को इतने सारे खिलौने भेजे थे। जाता, अब इस वहम और भ्रम की बातों पर विश्वास करेंगे हम? मुझे पता था आप यही कहेंगे। आपके लिए हम मुझ पर तो विश्वास करते ना,
मैंने तब भी आपसे पूछा था इस मकान को खरीदने से पहले, कौड़ियों के मोल में मिल गया था आपको ये मकान, और अब अपने बच्चे और पूरे परिवार को आग के खतरे में झोंक दिया। नहीं नहीं सुजाता, ऐसा नहीं है, मुझे सचमुच इस बात का पता नहीं था, और नए घर का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, इतनी जल्दी थोड़ी मिल सकता नया घर। और देखो, हर काम अपने दिल और दिमाग पर काबू रख कर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, वो हमारी आंखों का धोखा हो, है ना? ये धोखा नहीं है बेटा, ये सच है। बहू जो कुछ भी कह रही है वो सब सच है। तू सच्चाई जानना चाहता है तो ताराचंद जी के घर जा, वो हमारे पड़ोसी हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। पंडित ताराचंद? हाँ नितिन बाबू, उस मकान की एक कहानी है, दिल हिला देने वाली कहानी, हम जानते हैं उस कहानी को। विलास ममता को ब्याह कर लाया था उसी घर में, बड़े नेक और सुशील लड़की थी ममता। शुरू शुरू में तो बड़ा प्यार था पति पत्नी में, लेकिन कुछ अरसे बाद ये प्यार तकरार और झगड़े में बदल गया। विलास बाप बनना चाहता था और उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। इसका सारा दोष वो ममता के सर मंडता था। बेचारी ममता, उसका कोई नहीं था इस दुनिया में, बेबस थी, लाचार थी बेचारी। वो उसको बांझ के पुकारता, फिर भी वो चुपचाप सहती। हालांकि ममता ने दबी जबान में उससे कई बार कहा भी था कि शायद दोष विलास में हो। अपने पोते को देखने की आस में मेरी मां मर गई, मरकर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। उस बेचारे को क्या पता था कि तेरी कोख बच्चा देने के काबिल ही नहीं है। जो दोष तुम मेरी कोख पर लगा रहे हो वो दोष तुम्हें भी तो हो सकता है। अच्छा, मेरे जवान लड़ाती है तू? वो कैसे मान लेता इस बात को, आखिर मर्ज जो था। फिर विलास ने मेनका नाम की किसी दूसरी औरत से शादी कर वो ममता पर सोत ले आया। अब तो वो दोनों मिलकर उस पर अत्याचार करने लगे। फिर भी ममता के धैर्य का बांध नहीं टूटा, चुपचाप सहती रही वो। लेकिन एक दिन पानी सर से ऊंचा हो गया, उन दोनों ने ममता को घर से निकालने की योजना बना ली। नितिन बाबू, ममता तो लज्जा की देवी, वो कैसे अपमान सहन कर सकती थी, वो मर गई। हालांकि विलास और उसकी दूसरी पत्नी मेनका का कहना था कि ममता ने आत्महत्या कर ली, पर सच्चाई तो भगवान ही जानता है। ममता के मौत के बाद विलास भी उस घर में नहीं रह पाया, उसने वो मकान बेच दिया, और जिसने मकान खरीदा वो भी वहां पर सुख शांति से नहीं रह पाया, उसने वो मकान आपको बेच दिया। नितिन बाबू, ये बात तो तय है कि उस घर में कोई साया है, और वो साया ममता का है, उसकी आत्मा भटक रही है, ना उसे शांति है ना ही वो उस घर में किसी को शांति से रहने देगी। मगर पंडित जी, अब मैं क्या करूं, मेरे तो पूरे परिवार पर मुसीबत आन पड़ी है। अब तो ऐसा लगने लगा जैसे मेरे आने वाले बच्चे पर कोई गहरा खतरा हो। पंडित जी, अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। नितिन बाबू, मेरी तो समझ में अब एक ही बात आती है, बहू अब तू आराम कर, बिल्कुल मत घबराना। आर्यन दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा है, मैं उसे लेकर अभी आ रही हूं। माँ जल्दी आ जाएंगे ना,
मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। तुम यहां क्यों आई हो? तुझसे मिलने आई हूं मैं, तुझसे। तूने मेरे आर्यन के गले में तावीज डालकर उसे मुझसे अलग कर दिया। बहुत तड़पी हूं मैं बच्चे के लिए, और बच्चे की हसरत में तड़प तड़प कर मर गई। जीते जीते मुझे बच्चे का सुख नहीं मिला, मरने के बाद औलाद का सुख मिला था, वो भी तुझसे देखा नहीं गया। छीन लिया तूने मुझसे मेरे आर्यन को। आर्यन को तो तूने तावीज पहना दिया, लेकिन अब उस बच्चे को तावीज कैसे पहनाएगी जो तेरी कोख में पड़ रहा है? अब तू देख सुजाता, तेरी ही नजरों के सामने मैं तेरे बच्चे को तुझसे छीन लूंगी। तेरी कोख में जो बच्चा है मैं उसे तुझसे दूर कर दूंगी, क्योंकि तूने मेरे आर्यन को मुझसे छीना है। नहीं बख्शूंगी मैं अब तुझे। दरवाजा खोलो ममता, भगवान के लिए दरवाजा खोलो ममता, ममता दरवाजा खोलो। तू इस रूप में तुझे देखना पड़ेगा, ये कभी सोचा भी नहीं था मैंने ममता, और मेरे इस रूप का जिम्मेदार भी तू है। सच कहा तूने, इसका जिम्मेदार मैं ही हूं। कितना बदल गया है तू, पहले तो तू बात कम और लात ज्यादा चलाता था। क्यों लात? तकदीर ने मुझे मारी है ममता, उस तकलीफ का बयान भी नहीं कर सकता मैं। अरे तू क्या बयान करेगा, जब तक मैं जिंदा थी तूने चैन से जीने नहीं दिया मुझे, बहुत तड़प तड़प कर मरी हूं मैं तो मर गई, लेकिन मेरी आत्मा अब भी तड़प रही है। मैंने तो तुझे और तेरी दूसरी पत्नी मेनका को भी यहां रहने नहीं दिया, मैं तो तुम दोनों को मार ही डालना चाहती थी, लेकिन तू बस दिल निकला, घर बेचकर भाग गया। हाँ। और जिस दिन मैं इस घर को बेचकर भागा था उसी दिन से मेरे बदनसीबी के दिन शुरू हो गए। जिस औरत की वजह से मैंने तुझ पर अत्याचार किए, तुझ पर भांज होने का इल्जाम लगाया, तुझे मरने पर मजबूर किया, उसी औरत ने मुझे छोड़ दिया और सब कुछ लेकर भाग गई। हाँ, लेकिन तेरा अरमान तो पूरा कर दिया,
तुझे बाप बनने, मैं बाप बनने के काबिल ही नहीं हूं। खोट मेरे अंदर है और फिर भी उस खोट के साथ तूने मुझे स्वीकार कर लिया था। और वो मेनका, वो तो दुनिया के सामने मेरे मुंह पर थूक कर चले गए। उसके बाद मेरी ये हालत है कि मैं ना मर पा रहा हूं ना जी पा रहा हूं। तुम जैसे लोगों की यही हालत होनी चाहिए जो दूसरों पर ये सोचकर जुर्म करते हैं कि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। आज मैं खुश हूं कि तुझे तेरे किए की सजा मिल रही है। ममता, आज तू भी तो वही कर रही है जो कभी मैंने तेरे साथ किया था। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इन लोगों को अकेला छोड़ दे ममता, इन लोगों को अकेला छोड़ दे। नहीं, मैं तो सिर्फ आर्यन के साथ खेलना चाहती थी क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन इन लोगों से ये देखा नहीं गया। इन्होंने आर्यन को मुझसे अलग कर दिया। नहीं ममता, नहीं, जाती तो मैंने तेरे साथ की थी और तू सजा दे रही एक औरत को, उसके होने वाले बच्चे को जो अब तक इस दुनिया में आया तक नहीं। देख ममता, तेरी भी तो कभी इच्छा थी मां बनने की, तू भी तो मां बनना चाहती थी, तेरे अंदर ममता भरी हुई थी। तेरा गुनहगार मैं हूं, तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा नाम ममता है, कम से कम अपने अपने नाम को तो बदनाम मत कर। इस बच्चे को छोड़ दे, मुझे सजा दे, मुझे सजा दे, तू मुझे सजा दे दे ममता। आज मैं तेरे सामने कबूल करता हूं ममता कि मुझ जैसे लोग अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए अपनी बीवियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे जैसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए जो समाज और कानून की सजा से बच जाते हैं। उन्हें सिर्फ ईश्वर ही सजा दे सकता। तेरा गुनहगार तेरे सामने, खत्म कर दे मुझे, जान ले ले मेरी, लेकिन भगवान के लिए इस बच्चे को छोड़ दे, इस पर जुल्म मत कर, भगवान के लिए इस बच्चे को छोड़ दे। नहीं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, चले जाओ यहाँ से। देख ममता, आज अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो तेरी तरह एक और माँ अपने बच्चे की लालसा लिए मर जाएगी। देख ममता, तू एक औरत है, जीव हत्या करके औरत के नाम पे कलंक मत लगा ममता। आंटी, आंटी प्लीज मेरी मम्मी को छोड़ दो, आंटी प्लीज। आर्यन, हाँ सच कहा तुमने, मैं जो कुछ भी कर रही हूं वो अन्याय है। मैं भूल गई थी कि ये मेरी गुनहगार नहीं है, ये तो बेचारे निर्दोष है। मैं तो ये भी भूल गई थी कि मैं एक औरत हूं। आज मेरी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिल गई है क्योंकि आज तुमने अपने मुंह से ही स्वीकार कर लिया है कि मैं मां बनने के काबिल थी, दोष तुम्हें था। अब तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है।
मुझे माफ करना बहन, मैं इस घर से जा रही हूँ कभी ना वापस आने के लिए। प्लीज आंटी मत जाओ। बेटा मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा। बाय आंटी। आप मेरे साथ खेलोगे?